लायंस क्लब एवं बिनागुरी सेनछावनी कृपाण डिवीजन भारतीय सेना के संयुक्त कार्यक्रम से वन महोत्सव कार्यक्रम बिनागुरी डुअर्स लायंस क्लब के प्रांगण में आयोजित की गई। इस दौरान कई प्रकार के पर्यावरण सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम छात्र छात्राओं द्वारा आयोजित किए गए, जिसमें कविता व नृत्य के साथ साथ पर्यावरण से संबंधित चित्रकला प्रतियोगिता किया गया। सभी बच्चों को पुरस्कृत करने के साथ साथ विशेषकर उन बेहतरीन चित्रकला करने वाले 3 छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। वहीं कार्यक्रम के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 31 सी के दोनों तरफ 300 से अधिक वृक्षारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में बिनागुरी सैन्य छावनी के कमांडेंट ऑफिसर कर्नल जितेंद्र कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव सेठी तथा वन विभाग वाइल्ड लाइफ के रेंजर सुभाषिस राय एवं बिनागुरी पुलिस आउटपोस्ट के ओसी कुजांग लेपचा व लायंस क्लब के वरिष्ठ सदस्य केदार गजमेर एवं सेवल दास गुप्ता तथा कार्यक्रम के संयोजक और लायंस क्लब के वरिष्ठ अधिकारी सरिता अग्रवाल सहित सेना के कई ऑफिसर व जवान उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में स्थानीय समाज सेवी और पर्यावरणविद भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्यावरण के ऊपर विभिन्न प्रकार के पेंटिंग और कला को वहां दर्शाया गया, जिससे देख आगंतुकों ने बहुत सराहना की। कर्नल जितेंद्र कुमार ने कहा कि देखते रहिए एनआई डुअर्स न्यूज फेसबुक यूट्यूब ट्विटर पर, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाकों के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। देखिए, भारतीय सेना हमेशा इस देश के लिए हर क्षेत्र में काम करने के लिए तत्पर है, चाहे वो देश की सेवा हो, बॉर्डर की सुरक्षा हो या देश के विकास में हो। तो हमेशा से सेना देश के साथ रही है, तो देश के जितने भी भाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनके साथ मिलकर काम करने को हमेशा खड़ी रही है। सर, नए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर्यावरण के रक्षा को लेकर? मैं देश के युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि समय बहुत कम है हमारे पास, हमें बहुत काम करना है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, और जितना भी हो सकता है, जिसके जितने उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम कदम बढ़ाने चाहिए हमें। वृक्षारोपण का कार्यक्रम आप लोगों ने शुरुआत किया, क्या कहना चाहेंगे? बस एक ही बात कहना है, सेना तो एक रक्षक है हमारी, लेकिन हम लायंस जो है, हम भी कोशिश करते हैं कि अपना प्रकृति को कैसे करके रक्षा करें। तो आज जब इनका साथ में हमारा मौका मिला एक साथ में काम करने का, और इन्होंने जिस हिसाब से हाथ बढ़ाए हमारे लायंस के ऊपर, हम एज ए पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मेरा संदेश यही रहेगा कि हम लायंस का हिम्मत काफ़ी बढ़ गया, जो कि हम लोग और आगे और अच्छे से काम कर पाएंगे। अभी भी मैंने और भी क्लब से बात की है, हमारी बाकी क्लब से भी बात की है, अब हम लोग कोई भी काम करेंगे इनका साथ में काम करेंगे, एक साथ में काम करेंगे, तो वो जो कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे उसका इमेज भी और कुछ रहेगा और हमारा प्रोग्राम भी सक्सेसफुल रहेगा। तो इसीलिए मैं तो सबसे पहले आभारी हूँ, उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो सेना जो 23rd पंजाब बटालियन जो आज में ओसी साहब स्वयं आके हमारे हिम्मत बढ़ाई, हमारे साथ में हाथ बढ़ाएं, सो मैं धन्य हूँ। अच्छा केदार जी, हम लोग एक प्राकृतिक के गोद में रहते हैं, द्वार्स बहुत ही सुंदर जंगलों से भरा इलाका है, लेकिन दिन प्रतिदिन सैकड़ों एकड़ जमीन यहाँ जंगल से खाली होते जा रहे हैं, तो इससे लेकर आप क्या संदेशा देना चाहते हैं? बस इससे लेकर संदेशा तो मैं यही देना चाहता हूँ कि दिन से दिन जो जमीन जो हमारी जो डिफॉरेस्टेशन जो हो रही है दिन का दिन, ये अपनी सरकारी ओर से तो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज हम जब तक समाज में सचेतनता नहीं आएगी, जैसे अभी आज ही हमारे चीफ गेस्ट जब बात कर रहे थे, अब हमारे जितेंद्र साहब ने जो बोले हैं, ये ऑक्सीजन कई एक दिन आ जाएगा, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर ढो के ले कर चलना पड़ेगा पीठ पे, तो ये जानकारी जो है, हम यही जानकारी हम सब पब्लिक को देना चाहेंगे, ताकि अवेयरनेस, देखिए हम पौधा काटने का अवेयरनेस ही कर सकते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस करने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग खुद करें, करने से तो हम लोग एक पौधा रोक सकेंगे, अगर अवेयरनेस करें तो हम 100 पौधा बचा पाएंगे। आपका परिचय? मैं केदार गजमेर, पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, लायंस इंटरनेशनल। पहली बार आर्मी के साथ मिलकर आप लोगों का आज कार्यक्रम हुआ, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, सबसे पहले आप मीडिया वालों को, आपका सहयोग हमेशा हमारे साथ बना रहा है, और दूसरी बात ये कि आज आर्मी के साथ मिलकर हम ये पहला नहीं दूसरा प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके पहले हमने बाइक रैली भी करी थी, तो उसमें भी उनका बहुत बड़ा हमको सपोर्ट रहा है, और बहुत पर्यावरण को लेकर जी पहले पर्यावरण को लेकर आज पहली बार कर रहे हैं, और इनका आज इतना बड़ा कोऑपरेशन हमें मिला है, और जैसा कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सर ने भी बताया कि हमारी हिम्मत और ज़्यादा बुलंद हो गई कि आगे हम और ज़्यादा ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, जिन पे हम हमारे क्लब के साथ मिलकर काम कर पाएंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम राष्ट्र की सेवा हर तरह से करते आ रहे हैं और कुछ कदम नए बढ़ाएं। इसके लिए मैं अपने
इसके लिए मैं अपनी सबसे पहले तो पूरी टीम को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन सबका सहयोग के साथ ही आज इस प्रोग्राम को हम लोग सक्सेस कर पाए हैं। मैं सरिता अग्रवाल जोन चेयरपर्सन, मेरे साथ मेरी पूरी क्लब की टीम प्रेजेंट है, उन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। बिना उड़ी लायंस क्लब की ओर से जी सर।